का फॉर्मूला याद करना है, ध्यान देना। बीज गणित के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है, सभी बोल दो एक बार फॉर्मूला क्या है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी और आगे आता है ए होता है। देखो किस तरह से, ध्यान रखना, पहले तो तीनों का योग कर दो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पहले तीनों का योग हो गया a प्लस बी प्लस सी हो गया, और उसके बाद में सब पर घात दो दो लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद में a को b से गुणा, b को c से गुणा, c को a से गुणा कर दो और चिन्ह माइनस का लगा दो, बस ये फॉर्मूला बन गया। सब बोलिए a की घात तीन प्लस b की घात तीन प्लस c की घात तीन माइनस तीन ए बी सी बराबर। अब बोलो बनते अपने, यदि इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना तो आपका उत्तर आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूला सबको याद हुआ, अगली बार भले याद हो गया। आप देखिए क्वेश्चन देखना सभी की, से क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है इससे, ए की पॉइंट पांच की घात तीन, ध्यान देते रहना सभी, सामने की तरफ देखते रहो, नोट्स में नहीं, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। एक पॉइंट पांच की घात तीन प्लस चार पॉइंट सात की घात तीन प्लस तीन पॉइंट आठ की घात तीन माइनस तीन गुणा एक पॉइंट पांच गुणा चार पॉइंट सात गुणा तीन पॉइंट आठ, और ये आप देखो बटा के अंदर नीचे की तरफ आ गया एक पॉइंट पांच की घात दो प्लस चार पॉइंट सात की घात दो प्लस तीन पॉइंट आठ की घात दो एक पॉइंट पांच गुणा चार पॉइंट सात माइनस चार पॉइंट सात गुणा तीन पॉइंट आठ माइनस तीन पॉइंट आठ गुणा एक पॉइंट पांच, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको दे, लेकिन आप समझना कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी या बहुत आसान होगी ये समझना सभी, ध्यान देना। आपको समझना है कि कोई सा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखिए सभी फॉर्मूला लिख रहा है, बन रहा फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला है, अरे नजर आप सभी को ठीक है, फॉर्मूला देखिए आपसे बोलो और नीचे बोलिए अरे नजर, अरे ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये बी है तो ये भी क्या होगा बी, ये सी है तो ये भी क्या होगा सी, ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या है, लेकिन फॉर्मूला नीचे है कि ऊपर है, फॉर्मूला कहाँ पर है ऊपर, और कौन सा फॉर्मूला है दिख रहा सभी को, ठीक है। जो भी फॉर्मूला है एक बार वही बोल दो आप, नीचे भी इसे ए बी सी के रूप में लिख सकते हो क्या, ठीक है नीचे भी लिखा दो आप ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। अब ध्यान देना और सभी बताना, फॉर्मूला नीचे के ऊपर कहाँ पर है, इस फॉर्मूले का मान आप जानते हो क्या, अब जानते हो आप मान, इस ऊपर वाले फॉर्मूले का मान बताने स्टार्ट कर, आगे बोलो और नीचे बटा में बोलो क्या क्या, तो इससे ये क्या हो जाएगा, और आपके पास क्या क्या बचा बोलो, बस आपके पास अब यही बचा है, तो आपको एक का मान नजर आ रहा है क्या, एक का मान बोल दो, प्लस बी का मान बोल दो, प्लस सी का मान बोल दो, ठीक है। एक पॉइंट पांच प्लस चार पॉइंट सात प्लस तीन पॉइंट आठ ये बच गया, और बोलो योग करना आता है क्या, योग करने के लिए बोली सभी पॉइंट की सीध में एक पॉइंट पांच चार पॉइंट सात तीन पॉइंट आठ ये आ गया, बोलो पांच सात कितना होता है, बारह आठ कितना होता है, कितना बचा दो पॉइंट की सीध में पॉइंट चार तीन सात सात एक आठ आठ दो दस, ये आपको उत्तर आ गया, बोलो उत्तर कितना आया, अभी जो आपके माइंड में फॉर्मूला याद रहेगा,
तो क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि पक्का है ये नीचे वाली संख्या तो इस फॉर्मूले में आगे वाली संख्या से कट जाएगी। तो इसने कट गया और आपके माइंड में रह जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी बचेगा और बस तीनों का योग ही करना है आपको क्वेश्चन के अंदर। आज होगा सभी को समझ में, काट लो ये वाला भी। एक एक चीज को ढंग से लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लोट में लिख लो, घर पे जाके वापस काट लो। ध्यान देना सभी, ताली होगा आपको, समझना सभी, ट्यूशन नजर आ रहा है सभी को, ट्यूशन नजर आ रहा है ना। 7.5 कितनी बार गुणा है, और ये बताइए 2.5 कितनी बार गुणा है, और आगे क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना सभी। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर नजर आ रहा है थोड़ा सा, वो कौन सा नजर आ रहा है, बोलो 7.5 कितनी बार गुणा है, दो बार। तो बोलो सभी क्या लिखो, 7.5 की घात कितनी आएगी, दो। आगे चिन्ह बोलिए, आगे बोलो, आगे चिन्ह बोलिए। अब ध्यान देना, आगे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, एक अजीब सी चीज नजर आ रही है 37.5, जो फॉर्मूले जैसा नहीं दिख रहा आपको, लेकिन आप अब इसे मत देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो यहाँ से थोड़ा बहुत कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या, कौन सा है बोलो, बोलो फ्लो के अंदर बोलो कि हाँ कौन सा नजर आ सकता है, बोलो सभी, सब बोलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 2ab। तो आप 2ab लिखा सकते हो क्या, दो आता है क्या, एक बार गुणा करके देखो, देखिए क्या आता है, ध्यान देना, आप इनको गुणा करके देखोगे तो मैं गुणा करके बताई देता हूँ आपको, आप में से भी कई लोगों को दशमलव भी अभी भी क्लियर नहीं है, ये बटा में लिखा, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, नीचे कितनी आई, दो, बोलो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये बताओ फिर चौथे में किसका भाग लगेगा, दो का, तो कितना आएगा 37.5। आप ही बताओ 2ab को हल करने पर अलग चीज आ रही है कि 37.5 आ रहा है, 37.5। तो 37.5 को 2ab कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं ना, क्योंकि 2ab को गुणा करके ये भी कहा था, क्वेश्चन ने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन था जिसमें इसको गुणा करके और फिर लिख दिया, अब आपको पहचानना था कि कैसे लिखा, तो 37.5 बोलो चाहे से या फिर 2 × 7.5 × 2.5 बोल लो चाहे से, बताओ दोनों बात अलग अलग है कि एक जैसी है, और जब एक जैसी है तो बोलो अब आपको पूरा फॉर्मूला नजर आ गया क्या, आया कि नहीं आया, और इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं पता आप सभी को, ए प्लस सी, और एक का मान पता है क्या, सब बोलो एक का मान क्या है, 7.5 प्लस बी का मान क्या है, 2.5 और घात कितनी आएगी, ये बताओ 7.5 में 2.5 जोड़ना आता है क्या, पॉइंट के सीध में पॉइंट जोड़ने पर 10 आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो आपको उत्तर 100 आ गया, बोला इतनी आगे सुनिए समझ आगे सुनी को समझ ले आ तक का, ठीक है। तो देखिए बीजगणित संक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई है, और भी कोई सा थ्रो अलग से पूछ लेना, भेजिए कोई क्वेश्चन आपको ना आया हो, वैसे मैंने लगभग काफी क्वेश्चन करवा दिए, आपको ना आया हो तो पहले आपस में डिस्कस कर लेना, और फिर भी ना आए तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर सब क्या आता था, हाँ तो ढंग से बोल दो, आपकी बेसिक चीजें समाप्ति की तरफ है, और ये पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सरलीकरण नंबर सिस्टम इनके टॉपिक है, आपको किसी बुक में एक साथ एक जगह लिखे मिलेंगे, और मैंने जो नोट्स बनाए हैं इनके अंदर हर एक टॉपिक के अलग अलग टुकड़े करके और फिर लिख दिए भाई, बुक्स के अंदर आपको एक ही टॉपिक के अंदर सारे क्वेश्चन मिलने वाले, जो मैं अब से आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे 1.5 महीने से लगातार,
मैंने सब एक एक टॉपिक को अलग अलग टुकड़े करके और अलग से इनकी एक्सरसाइज डाल दी है। और आपको ये एक साथ एक ही चैप्टर मिल जाते हैं, या तो नंबर सिस्टम में मिलेंगे या फिर मिलेंगे आपको सरलीकरण में, इन दो चैप्टर मिलेंगे टॉपिक सारे। नंबर सिस्टम के भी काफी और भी पार्ट आने बाकी है, याद तक क्लियर है। द्विघात समीकरण कौन सा? हाँ ठीक है, बताता हूँ। ध्यान दे रहा, द्विघात समीकरण में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। ध्यान दे रहा सभी, बातें नहीं, आपको नोट खोलने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिए भैया। मैंने जो बहुबल चैप्टर उसमें काफी सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं और मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि लगभग आप में से शायद कोई स्टूडेंट होगा जिसे पूरे क्वेश्चन आ गए होंगे, या फिर जिसे सिर्फ 5-7 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कुछ ही स्टूडेंट होंगे। तो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पक्का बोल सकता हूँ लगभग पूरी क्लास को 15 या 20 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आए होंगे, 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा ही नहीं आ रहे थे। देखो कुछ चीजें तो अभी मेरे पढ़ाई नहीं है इसलिए नहीं आ रहे, और कुछ चीजों में कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि लो आपको 20-25 क्वेश्चन मान लो बहुत बच्चे नहीं आ रहे तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, या फिर आपको 20-25 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपके माइंड में ये चीज आ जाए कि लो समझ में नहीं आया, आपको काफी क्वेश्चन तो आने लग गए ना, तो एक बार बताने देखे पता लग जाएगा, देखिए आपको आता है कि नहीं आता। इसका गुणनफल बता सकते हो आप? इसके मूलों का गुणनफल बता सकते हो ना? कौन कौन बता सकता है? ठीक है सवाल, पूरी क्लास बता सकते हैं, उत्तर बोल दो। कितना आएगा? दो आएगा, दो ही आएगा, कन्फर्म है? ठीक है, क्योंकि गुणनफल बराबर होता है बोलो सी बटा ए, और सी का मान कितना है? और चार के बटा में दो दूनी कितना आया? ठीक है, योगफल बता सकते हो? योगफल बता सकते हो ना? आगे सभी के किस याद करेगा ना? उत्तर बोल दो, 5/2 की माइनस 5/2, क्योंकि माइनस बी बटा क्या होता है? यदि आपको ये चीज आ गई ना तो आपको बहुपद काफी हद तक आ गया है। आपको समीकरण के टुकड़े करना आता है क्या? गुणनखंड विधि से टुकड़े करना आता है क्या? आपको आता है गुणनखंड विधि? ठीक है, पहले पद और अंतिम पद को क्या करते हैं? गुणा करने पर उसके क्या करेंगे? ऐसे टुकड़े के उनको जोड़ने और घटाने पर कौन सा पद आया? फिर दो दो का जोड़ा बना के कोमल लेके हल कर लेंगे, बताइए वाला तरीका। तो आपको बहुपद आता है, बस कुछ क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन नहीं आते, वो क्वेश्चन आपको सारे करवाऊंगा, और वो भी सारे लगभग क्वेश्चन आपको सारे बोर्ड पर मिल जाएंगे एक एक टाइप का। तो अभी मैंने पूरी चीजें नहीं करवाई है, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बोला है, क्योंकि मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स ने बोला कि सर बहुपद कम समझ में आ रहा है। भाई कुछ भी कम समझ में नहीं आ रहा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और पूरा का पूरा जाएगा, बस कुछ चीजें वो नहीं आ रही आपको जो मैंने नहीं बताई। आपको एक इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, x² + 2 का भाग लो। अब ऐसे भाग देना भी मैंने बताया नहीं तो आपको कैसे आ सकता है? जब बताऊंगा तो ये भी आपको आने लग जाएगा। तो आपको जो भी नहीं आ रहा है, जो नहीं बताया गया है, सिर्फ वो नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपने माइंड में ये सोचना मत स्टार्ट करो कि समझ में नहीं आ रहा, हर एक क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा, है ना। तो अभी कुछ चीजें मैंने जानबूझ के छोड़ी, अभी एक साथ मैंने सारा मैटर नहीं करवाया है, पर मैंने जितना करवाया उसे परफेक्ट करो। अभी आपको और भी कई चीजें बतानी बाकी है बहुपद में, जो कि बहुपद बहुत बड़ा चैप्टर जिसमें बीजगणित भी शामिल है, लेकिन होगा आपसे हर एक क्वेश्चन, इस चीज की टेंशन छोड़ दीजिए आप, हर एक क्वेश्चन होगा आप लोगों से, बस जो बताऊं उस तरह से चलते रहो आप। x² देखो, एक क्वेश्चन है इसमें आपको दिक्कत आई होगी, x² + 2x - और 2400 = 0 के जीरो में धनात्मक मूल्य। अब देखो सुनना सर, अब आप में से ज्यादातर लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई, लेकिन फिर भी बस एक बार आपको कोशिश करनी है, देखिए अपने मन से कितना के अच्छी से बैठे ढंग से बैठे, अपने मन से कितने के आपको आने लग गए, बस ये चीज पता करनी है, तो ध्यान देना सर। अब कितना आसान था, देखो एक छोटी सी बात बतानी थी और आपको उतर आ जाएगा, एक का आएगा तो पूरे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप 4 क्वेश्चन डाल रहे कैसे, तो समझते ही पूरे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे में पूरे करवा दूंगा। आप लोगों के माइंड में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा, यदि आप 50% क्वेश्चन भी कर पा रहे हो अभी तो ये समझो कि आपको बहुत अच्छा आ चुका है, और आपके हर एक क्वेश्चन आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बोले सर, x² + 2x - अब बोलो, पहले स्टेप याद है क्या?
सबको याद है हाँ। पहला पद और अंतिम पद को ठीक है गुणा करा दो बोलो बोलो ये तो आएगा ना बोलो बताओ अब इसके क्या किए जाएंगे टुकड़े लेकिन सुनना आपसे भी आप इतनी बड़ी संख्या के टुकड़े मत करो आप टाइम खराब होगा आप भी दो जीरो को हटा दो और 144 के टुकड़े कर लो और सुनना सभी दो जीरो को हटाकर सबका जन्म सामने होना चाहिए पूरे चार पांच क्वेश्चन अभी कुछ ही देर में आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे जो भी आपको नहीं आ रहे थे वो चार पांच क्वेश्चन एक साथ आएंगे यहाँ पर दो जीरो को हटाया तो बोलो कितना बचा 144 अब 144 के सुनना 144 के ऐसे टुकड़े करने हैं दो जिनको जोड़ने घटाने पर मध्य पद आए सब बोलो जिनको जोड़ने घटाने पर मध्य में क्या लिखा हुआ है सब बोले मध्य में क्या लिखा हुआ है ठीक है मध्य में 100x लिखा हुआ है लेकिन अब आपको 100 नहीं चाहिए अभी यहाँ पर दो जीरो है तो यहाँ से एक जीरो हटा दो बोलो कितना चाहिए दस बोलो कितना चाहिए दस यहाँ से दो जीरो की और यहाँ से कितनी जीरो एक तो आप ऐसी संख्या ढूंढ लो जिसको जोड़ने और घटाने पर 10 आए सब बोलो कितना आए ठीक है आपने ढूंढना स्टार्ट किया भाड़े याद है ना हाँ। तो नहीं है मुझे पता है भाड़े याद होना आसानी से आता है भाड़े याद हो तो बहुत आसानी से आ जाता है क्योंकि 18 घंटे कितना होता है 144 बोलो 18 घंटे तो तुरंत आ गया 18 में 8 गया तो कितना आया 10 मिल गया टुकड़ा मिला कि नहीं मिला भाड़ा याद होता है तो बहुत आसानी से आता है इसलिए भाड़े भी याद कर लेना बोलो दूसरा अंत 14 दो दूनी 4 लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपको भाड़े याद नहीं है ठीक है और उस अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ देखते रहना बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपना लेवल कहाँ पर पहुंचाना चाहते हो मैं बस उस तरह से बताता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए जिनको आता है उनका भी परफेक्ट होगा जिनको थोड़ा कम आता है ये चीजें उनका भी परफेक्ट होगा तो देखो यहाँ पर गुण नीचे कितना आया 36 कितना आया 18 कितना आया 9 कितना आया 3 कितना आया 1 आपको जोड़ने इन पदों के दो टुकड़े ऐसे करना है जिनको जोड़ने और घटाने पर कितना आए 10 आए अरे बोलो कितना आए 10 ठीक है 10 ढूंढेंगे देखो बोलो 2 × 2 = 4 ठीक है 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18 18 × 2 = 36 नहीं हो सकता होगा कि नहीं होगा 10 बनेगा ही नहीं कैसे ठीक है 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18 18 × 8 बनेगा कि नहीं बनेगा मिल गया टुकड़ा लेकिन आप ये बताइए अब आपको रियलिटी में 10 चाहिए कि 100 चाहिए 10 ही चाहिए क्या 100 क्वेश्चन में क्या चाहिए 100 10 तो आ ही गया अब आपको क्या चाहिए 100 एक जीरो यहाँ पर लगा दो एक जीरो यहाँ पर लगा दो बताओ 180 में 80 गया 180 में 80 गया तो कितना आया 100 180 में 80 गया तो कितना आया 100 ठीक है अब देखो 180 में 80 गया 100 अब गुणा कर लो गुणा करोगे तो देख लो यही आ जाएगा 18 × 144 और 00 देख लो यही मिल गया क्योंकि तो गुणा करने पर भी यही मिलना चाहिए लेकिन आप ये बताइए यहाँ पर चिन्ह प्लस का आना चाहिए कि माइनस का प्लस का इस पर चिन्ह बोल दो इस पर बोल दो मिल गए दो टुकड़े बस बाकी वो का वो तरीका चलो लेकर स्टार्ट करना है आया कि नहीं आया आया तो बताओ कितने का जोड़ा बनाओगे कॉमन बोल दो आगे बोलो आगे बोलो -80 और आगे बोल दो बराबर में बोल दो जीरो तो बोलो एक्स माइनस 80 बराबर क्या आएगा जीरो और एक्स प्लस 180 बराबर क्या आएगा जीरो इसमें एक्स बराबर क्या आया 80 इसमें एक्स बराबर क्या आया आपको ऋणात्मक मूल चाहिए ताकि धनात्मक ऋणात्मक कितना आया 80 तो ये उत्तर आ जाएगा बोला एक नहीं ऐसा एक बार दोबारा देख लो इस पेड़ में दोबारा देख लो पहले पद और अंतिम पद को क्या करोगे अब तो गुणा करने पर इतनी बड़ी संख्या आ गई इस पूरी संख्या का करोगे कि दो जीरो हटाओगे दो जीरो हटाने पर कितना बचा 144 के ऐसे टुकड़े की जिनको जोड़ने घटाने पर 100 आए कि 10 आए और 10 आने के लिए 18 और कौन मिला 8 लेकिन रियलिटी में 10 चाहिए ताकि 100 एक जीरो यहाँ पर तो एक जीरो जो हटाई थी वो जीरो रख दी यहाँ पर तो 140 में से 80 गया तो कितना आया 100 और गुणा करने पर यही मिला कि नहीं मिला आया कि नहीं ऐसा कुछ समझ उतारो जल्दी उतारो टाइम वेस्ट मत करो जल्दी उतारो आपको जाएगा श्रीधराचार्य लेकिन श्रीधराचार्य सूत्र से अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें काफी टाइम खराब होगा वो मैंने बस नॉलेज के लिए बताया कुछ जगह पर जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा फिलहाल जो मैं तरीके काम में ले रहा हूँ उस तरीके से करते रहो आप
सीधा 40 ऊपर से भी आएगा, आप उधर पे ये आएगा, बदलेगा नहीं, चाहे कोशिश ही करो, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा उसको। यदि आपको किसी किस्म में टाइम भी लगता है ना, तो भी आप डिस्कस जरूर किया करो कि सर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई शॉर्ट तरीका है क्या? यदि होगा तो जरूर बता दूंगा, लेकिन एक बात तो कम से कम आपको लॉन्ग बेटर करना ही चाहिए। एक करके बताओगे आप, एक क्वेश्चन करके और कंट्रोल कर दोगे, आपको समझ में आ गया। जो लोग क्लास छोड़ते हैं, एब्सेंट रहते हैं, उनको चक्कर ही आते रहेंगे इनके अंदर। ये धनात्मक मूल बताओ, ये वाला बता दो सर। आपके नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें छाण मैसो को इधर लिख रखा था, मैंने इधर लिख दिया, बस इतना ही फर्क है। आराम से करना, सबको उतर आना चाहिए। आ गया पूरे आंसर आया, साठ रहेगा। ऋणात्मक मान कौन सा रहे और ऋणात्मक मान 160, ऋणात्मक माइनस लगेगा ना, ये कंफर्म है। कितना रहे माइनस वाला उत्तर 160। किस किस के आगे हाथ खड़े करने, एक बार ठीक है शाबाश। अब किस लाइन नहीं है, किसके लिए है जो ध्यान देना, सभी ध्यान देना, सबका ध्यान सामने, जिनका आ गया उनका ध्यान भी। चलो बताओ पहले पद और अंतिम पद को क्या करोगे, गुणा। बोले पहले पद और अंतिम पद को गुणा। चलो गुणा करने पर कितना है बोलो, माइनस चार सौ एक्स स्क्वायर। बोले कितना है, ऐसे बोली। अब बताओ छान में सो के टुकड़े करोगे कि सिर्फ छान में के, ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने और कटाने पर 100 आएगी, 10 आएगी। और ध्यान देना पाठ याद है तो थोड़ा छीकी थोड़ा भी छह गया तो 10, अरे थोड़ा छी कितना होता है छान में, और यदि छह गया तो कितना बच जाएगा 10, तुरंत इसे टुकड़ा मिल जाएगा आपको। और यदि पाठ याद नहीं है तो भी पूरा तरीका देखो अप्लाई करना। बोलो दो चौका 8, दो अंटे 16, दो दूनी 4, दो चौका 8, नीचे 12 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया और फिर 1 आया।
तो आप सभी बता दीजिए टुकड़े कौन कौन से हैं, ये पूरे टुकड़े देखो, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन, देखना सभी, बोलो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक है, और तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, बोलो क्या बारह और आठ कभी दस बन सकता है क्या? मैं गलत करके बता रहा हूँ आपको पहले, वरना मुझे टुकड़े याद है ना, लेकिन ऐसे आप गलत करोगे, ठीक है, एक बार गलत हो गया, दूसरी बार गलत हो जाएगा, तीसरी बार, लेकिन यात्री फिर पता क्या करते हैं, एक बार गलत हो गया फिर बैठे रहते हैं, तो हमारा तो नहीं आ रहा, अरे एक बार गलत हो जाता है इसका मतलब ही थोड़ी दूसरी बार भी आपको गलत होगा, और मान लो दूसरी बार भी गलत हो गया तो ये जरूर थोड़ी तीसरी बार भी गलत होगा, वो सारे के सारे गलत तरीके अप्लाई करना सीख जाओ कि जिनके बाद सिर्फ उत्तर कौन सा है सही। ये है मैथ का नियम, जिन लोगों में सब्र नहीं होती वो लोग कभी जिंदगी में मैथ नहीं सीख पाते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन गलत हो गया नहीं पढ़ूंगा, सोचते भी ऐसे कि न पढ़ने से अब मैथ आ जाएगा, बस मैथ के अंदर सीधा सा नियम ये कहता है कि गलत होने से मत डरो, जितनी बार हो सके उतनी बार गलत करो, लेकिन बस पीछा मत छोड़ो, जो मैथ का पीछा नहीं छोड़ेगा उसे पक्का है मैथ आती है, लेकिन बस ये बात याद रख लेना शुरुआत में मैथ जितना परेशान कोई नहीं करता है, यदि मैथ सीखने स्टार्ट करते तो शुरुआत में मैथ जितना परेशान कोई नहीं करता है, और एक बार मजा आने लग गया ना तो मैथ से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर्फ एक बार इंटरेस्ट आने लग जाए मैथ के अंदर कि यार मैथ में मजा आ रहा है, बस ये शब्द यदि कभी माइंड में आ गया ना कुछ दिन बाद देखना मैथ से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, आप खुद सोचोगे कि यार अदर सब्जेक्ट को टाइम दो लेकिन फिर भी आप ज्यादा टाइम मैथ को देते मिलोगे, क्योंकि एक तरह से मैथ एक बार ट्यूशन आप लोगों के आने लग गए और एक गलत करके और फिर सही आने का मजा आने लग गया उसके बाद में नहीं रुकने वाले मैथ में कर, देखो आप में जाते फ्रेंड जिनको मैथ नहीं सीख पाते या फिर जिनको नहीं आता उस उनकी गलती यही है, वो डायरेक्टली बस पहली बार में सही करने की उम्मीद रखते हैं, जिनको बहुत अच्छी मैथ आती है क्या देख रहे बात पर्दा लगाओ यहाँ पर्दा लगाओ वहां पर आपको डेली बोल के रखता हूँ उसकी बात ऊपर करते बैठे ध्यान देना, तो देखिए आपसे जितनी बार गलत तो होने दिया करो, उत्तर सही नहीं आता मान लो आप चार पांच बार गलती करने के बाद भी तो किसे हेल्प ले लिया करो, लेकिन ऐसे नहीं कि बारह आठ टुकड़ा दस नहीं आया और आप बैठे हो आराम, मुझे पता आप में से आठ दस स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक टुकड़ा किया है, पक्का है गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, एक टुकड़ा करने के बाद उनको दस नहीं मिला तो बस ऐसे पड़ोसी कॉपी को देख रहे थे कैसे आएगा देखो, अरे भाई एक बार ही गलत हुआ है हजार बार थोड़ी हो गया, आपको मेरी स्टोरी बताई होगी क्या नाम उसका बल्ला बनाने वाले का एडिशन की पता किस चुरी आप लोगों को, उसने तो कितनी बार गलती की थी 10,000 बार, आप दूसरी तीसरी बार नहीं जाते 10,000 बार जब बल्लभ नहीं बना तो उसके बाद में जाकर उसे बल्लभ बना था, कितनी बार उसने मिस्टेक की थी बल्लभ बनाने में, क्योंकि सिखाने वाला नहीं था न कोई हेल्प करने वाला था, लगातार खुद का काम कर रहा था, गलत होता जा रहा था होता जा रहा था, बाद में सही हो गया, आपको तो दो तीन बार गलत करके फिर सही करना है, कौन से एडिशन बनना आप लोगों को, आपको तो बस एक सरकारी नौकर बनना है उसके अंदर इतना सा तो बन कर ही सकते, तीन बार तो गलत कर ही सकते, देखिए सभी आप ये 12 है और ये कितना आया 8, ये गलत हो गया, अब देखो उसे करो, बोलो दो दूनी चार, ठीक है, चार दूनी आठ, याद तो आई गई थी पहले, आठ दूनी 16 और तीन दूनी छह, बोलो दूसरी बार में आया कि नहीं आया, अब आगे अभी नहीं आता तो एक बार और कोशिश कर लेते, तीसरी बार कर लेते फिर ना आता तो किससे पूछ लेते तब तो आता ही, और जब पूछने के बाद आपको पता लगेगा चाहे से आता तो मेरी गलती ये थी थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन गलत करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, पर तो 16 और 6 में से 16 में से सॉरी 6 गया तो कितना आया 10, लेकिन आपको 10 चाहिए कि रियलिटी में 100 चाहिए, बोले यहाँ पर क्या आएगी जीरो, अभी कह सकते हो आप यहाँ तो बोलने की स्टार्ट करें 160 दौड़ा बनाओगे कॉमन बोल दो आगे बोल दो आगे बोल दो आगे बोल दो और बराबर ये ध्यान देना ये माइनस कॉमन आता है तो अंदर के चिन्ह वही रहेंगे कि बदल जाएंगे ठीक है ना अपनी चीजें ठीक है आपके पास क्या क्या बचा बोलो तो बोलो एक्स से बराबर कितना आया बराबर कितना आगे सबको समझ तो बोला आपका धनात्मक मान कौन सा हुआ इसमें और भी दो तीन क्वेश्चन है अब वो आप खुद की जिम्मेदारी करनी ठीक है।
तो देखो अब इसने क्वेश्चन होल्ड किया, दो संख्याओं का योगफल 11 है, दो संख्याओं का योगफल 11 है तथा उनका गुणनफल, तथा उनका गुणनफल 18 है। उनका गुणनफल 18 है, पूर्ण संख्याओं के युद्धक्रमों का योग क्या होगा, पूर्ण संख्याओं के युद्धक्रमों का योग क्या होगा, दो संख्याओं का योग 11 है तथा उनका गुणनफल 18 है, उन्हें संख्याओं के युक्त कर्मों का योग क्या होगा, लिख लिया आप सभी ने, ध्यान दे रहे सर। इस तरीके से किया जाएगा ये समझना, आप इनसे कई उत्तर आ गए होगा लेकिन दो टाइम खराब करने के बाद उत्तर आया होगा, तो देखिए उत्तर कैसे आएगा। इसका सीधा सीधा तरीका होता है, इसी क्वेश्चन को सिर्फ आप पढ़ के उत्तर बता सकते हो, कई बार पूछा हुआ है लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर बता सकते हो। मैं पहले आपको एक ट्रिक बताता हूँ, फिर वो ट्रिक बनी कैसे ये भी बताता हूँ। यदि आपको संख्याओं के युद्ध कर्मों का योग पूछे और योगफल और गुणनफल देके रखे, ये रटाने वाली चीज बोल रहा हूं लेकिन ये कैसे आएगा वो आपको समझाऊंगा और आपको उसी को याद रखना है, ट्रिक खुद ही याद हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है, योगफल बटा गुणनफल आपको उत्तर आ गया 11/18, बस इतना सा करना है, कई बार पूछा हुआ है, या आपको उत्तर आ गया युद्ध कर्मों का योग का। लेकिन पूरा मेथड आपको बताने वाला हूं कि कैसे 11/18 आया, या आपको मैं पूरा मेथड सिखाने वाला हूँ। करें स्टार्ट, तैयार हो आप सभी? मैंने आपको उल्टा करना बताया होगा, आदमी का ये उल्टा करेंगे तो पता उल्टा कैसे होता है, सबको बताया क्या? बोलो पैर कहाँ पर जाएंगे और सर कहाँ पर आएगा, और बोलो हाथ है, हाथ कैसे बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, ऐसे उल्टा करते हैं। संख्याओं का उल्टा करना भी आपको आता है? आता है कि नहीं आता? चलो ठीक है, देखते रहना सभी। बोलो संख्याएं कितनी है? बोले कितने हैं? दो संख्या है। पहली संख्या बोल सकते हो आप? पहली संख्या बोल दो और दूसरी बोल दो। तो बोलो पहली संख्या कौन सी है? दूसरी बोली, ठीक है। अब अभी पढ़ो इन दोनों का क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ठीक है, यो करो बोलो, ठीक है, तथा इनका क्या दे रखा है, बोलो। अब ध्यान देना, आप में से कईयों ने क्या किया है, ऊपर वाले में से मान निकालते हैं तो कहां पे रखते हैं, नीचे, और नीचे वाले में से निकालते हैं तो ऊपर, ऐसे क्या होगा आप में से? यदि आपने कोशिश की है तो आपने इसी तरह से किया था, लेकिन वो तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा। वो तरीका आपको कब अप्लाई करना है सुनना, जब आपको संख्याएं पूछे, बोलो वो तरीका कब लगाओगे, जब आपको अब आप में से कई के माइंड में ये भी आ रहा होगा सर इतनी चीजें याद कैसे रखें, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, जो सबके साथ समस्या आती है। आप एक बार पढ़ रहे हो, दोबारा यदि 10 दिन बाद दोबारा नोट उठाओगे तो पता लगेगा कि जो पहले आ चुके थे वो भूल चुके हैं, उनको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, किससे पूछना पड़ेगा, मेरे से पूछना पड़ेगा, फिर आप वापस हल करोगे, फिर आपको पता लगेगा अच्छा यहाँ पर तो ये तरीका लगता तो सही रहता, ये तरीका लगता तो गलत होता, इस तरह से फिर वो आपको 10-15 दिन बाद दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। तो टेस्ट पेपर वगैरह और रिपीट करने से ये सारी चीजें धीरे धीरे याद होती है, एक दिन में किसी को याद नहीं होती। और रिपीट करने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि यदि आप डेली जाके नोट्स बनाते हो तो फायदा है बेंच का, वरना जैसे से आगे बढ़ोगे पीछे वाली चीज भूलते जाओगे, और यदि आपके पास रिपीट करने लायक कोई मैटर नहीं है तो आप वापस न्यू बेंच के अंदर बैठने आ जाओगे, आप सर मैथ कम आई थी अब दोबारा और पढ़े। और यदि नोट्स है तो आप अपने पूरे के पूरे 4,000 रुपए बचा दोगे, पूरे 4,000 बचेंगे आप लोगों के और मेरा नुकसान होगा। तो देख लो अब आप लोगों को क्या करना है, मेरा नुकसान करना है कि फायदा करना है, या आपका डिपेंड करना है, फायदा करोगे मैं जानता हूँ आप लोगों को, फायदे की मत सोचिए, आप इतने खुद का फायदा सोच लीजिए, थोड़ा बहुत सेल्फिश करो ना। बोलो सभी x प्लस वाई बराबर कितना है, एक्स वाई बराबर कितना है, ध्यान देना। अब आपको ये वाला तरीका नहीं लगा ना, क्योंकि संख्या नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है उन संख्याओं के युद्ध कर्मों का योग, तो युद्ध कर्मों का योग पूछे तो देखो, बोलो पहली संख्या का युद्ध क्रम बता सकते हो क्या, पहली संख्या का युद्ध क्रम, युद्ध क्रम मतलब होता है उल्टा, सब बोलो युद्ध क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा,
कई लोग नींदों में है, टेंशन बोल नहीं रहे, बोलो संख्याओं का युग क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो आप x का युग क्रम बता सकते हो क्या? x का युग क्रम बोलिए। तो बोलिए कितना आया? तो आप दूसरी संख्या का युग क्रम बता सकते हो क्या? बोलो सभी। और युद्ध कर्मों का फिर क्या करना है? योग करना आता है क्या? युद्ध कर्मों का योग करना आता है क्या? ठीक है बताओ सभी। और इस भिन्न को हल करना आता है क्या? तो बोलिए वाई एकम वाई, बीच में चिन्ह एक्स एकम एक्स, और नीचे बोल दीजिए। बताओ यहाँ पर एक्स और वाई दो संख्या है, ऊपर योगफल लिखा हुआ है क्या? किस किस का योगफल? एक्स और वाई, और नीचे एक्स और वाई का गुणनफल लिखा हुआ है क्या? तो बोलो आप सभी ऊपर योगफल बता सकते हो क्या? योगफल कितना आ रहा है? 11। ऊपर 11 लिख दो, नीचे गुणनफल कितना आ रहा है? 18। तो नीचे 18 लिख दो, बोलो उत्तर कितना आया? 11। और इसी वजह से ट्रिक बनती है योगफल बटा गुणनफल। सब बोलो क्या बनती है? योगफल बटा गुणनफल, ये ट्रिक बनती है। बोला है कि नहीं? ऐसे आगे सभी को समझ। एक और बताऊंगा, एक आप खुद करके बताना पूरे तरीके से। बताओगे फिर क्या? ठीक है, सुन करके बता दीजिए आप। तो एक बार देख कर बोल दो आप उत्तर, देखो उत्तर आया कि नहीं आया, बोल दो। रट के मत रखना, वरना हर जगह पर 12/35 नजर आएगा आपको, और आगे यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर देगा। इसलिए आपको रट के नहीं रखना है, ऐसे रटने के बाद उत्तर गलत आता है हमेशा। इसलिए आपको ये ट्रिक कैसे बनी वो पता होना चाहिए, और एग्जाम में भी पूरा क्वेश्चन पढ़ के हल करना है, क्योंकि ऐसे रटने से हमेशा गलती होता है, पक्का रहता है। इसलिए आपको पूरे मेथड से ऐसे कैसे करना है करके बताओ आप सभी, सब करके बताइए। आगे सभी के सब बता सकते हो आप? चलो बोल दो आंसर पूरे तरीके से, है ना? ठीक है, आप सभी बताना, देखा आपने क्या क्या किया। सब बोलिए कितनी संख्या है? संख्या कितनी है? पहली संख्या बता सकते हो? पहली संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या कौन सी है? ठीक है, इनका इनका योग कितना है? समीकरण बोलिए, दोबारा बोलिए, इनका गुणनफल कितना है? गुणनफल कितना है? इसे लिखोगे। अब क्या आपको संख्या पूछ रहा है क्या? संख्या पूछ रहा है। यदि संख्या ही पूछता कि बताओ वे संख्या कौन सी है, तो तरीका याद है क्या? तरीका बोलो, ऊपर से मान निकालोगे तो नीचे से मान निकालोगे तो पृथ्वी का समीकरण बन रहा था, तो फिर समीकरण को हल करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको संख्या नहीं पूछा, आपको पूछा है उनके युद्ध कर्मों का योग। सब बोलो क्या पूछा है? तो बोलो आप x का युद्ध क्रम बता सकते हो क्या? एक बटा एक्स, और बोलिए एक बटा वाई, बीच में चिन्ह प्लस, अगल कर सकते हो आप? बोलो वाई एकम वाई। योग फल बता सकते हो आप? बताओ योग फल कितना आया? और 12 बटा कितना आया?
आगे सबको समझ क्लियर है सभी की? तो ध्यान देना, देखो ये आपको समझ में आ चुका है, और भी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपको जितने भी नहीं आए सारे बता दिए जाएंगे, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन सारे एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो देखिए एक क्वेश्चन और है जो आपको दिक्कत किया होगा, दो धनात्मक संख्याओं का, नोट बंद रखिए, अभी मैं अपने मन से बता रहा हूं जो भी चीज बताने लायक है, और फिर आज आपको मैं वापस टारगेट देने वाला हूं दो चर का और द्विघात पूरे का, ठीक है? आज वापस से आपको टारगेट मिलेगा और घर पे जाके आप 100-150 क्वेश्चन करोगे, और मैं जितने आए उतने बढ़िया नहीं आएगा, उसके लिए आपके एक्स्ट्रा क्लास और लगाऊंगा, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बताऊंगा सारे के, बस आपको कोशिश करनी है गलत करने की, यदि गलत होने स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम ये तो पता लगेगा हमें क्या आता है और क्या नहीं आता, और जब ये पता लग जाएगा कि क्या नहीं आता तो कम से कम पूछने की मत होगी, और पूछोगे तो दोबारा और सीखोगे, ऐसे आपके एक्स्ट्रा क्लास और लगाऊंगा अभी तक इसकी। तो देखिए दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो वे संख्याएं बताइए, तो वे संख्या बताइए, ध्यान देना सर, करें स्टार्ट, ध्यान सामने सबका, तैयार हो आप सभी, चलो बताना, एक एक शब्द को पढ़ना, देखो पढ़ो, बताइए संख्या कितनी है, दो, और दोनों की दोनों प्लस वाली है कि माइनस वाली, प्लस वाली, यहाँ पर देरक है कि मानना पड़ेगा, देरक है कि मानना पड़ेगा, पहली संख्या बोल सकते हो आप, दूसरी बोल दो, वाई, हो गया एक्स और वाई, दो धनात्मक संख्याओं के, अब एक बात सोचना, वर्गमूल घनमूल पढ़ा आप लोगों ने, वर्गी शब्द का मतलब मैंने बताया था आपको, वर्गी करना मतलब कितनी बार गुणा, वर्गी करना मतलब कितनी बार गुणा, तो आप पहली संख्या का वर्ग कर सकते हो क्या, पहली संख्या का वर्ग बोलिए तथा दूसरी संख्या का वर्ग बोलिए, इनके वर्गों का क्या करना है, ये वर्गों का योग हो गया, आया कि नहीं एक्स वर्ग, आया कि नहीं आया, तो बताइए किसके वर्गों का योग, एक्स और वाई के वर्गों का योग, आगे समझ बराबर में बोल दो, बोलिए ठीक है, आगे वाला करके बताओ एक बार दोबारा करो, तथा इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, अंतर मतलब बीच में चिन्ह, वर्गों का अंतर मतलब लिखा सकते हो आप यहाँ एक्स माइनस से, बोलो दोबारा समीकरण पढ़ा आप लोगों ने, एक नहीं पढ़ा है, दो चर का रेखिक समीकरण पढ़ा है, तो वहाँ पर जोड़ना और घटाना, वाई का मान चाहिए तो जाएगा क्या, और भेजना आता है क्या, आता है भेजना, समान संख्या, तो बोलो कौन जाने के लिए तैयार है, वाई तैयार है तो बचा कौन, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर, और बोलो बराबर में बता सकते हो, बोल दो सभी, बोलो एक्स स्क्वायर का मान बता सकते हो क्या, गुणा वाला दो पहले कहाँ पर जाएगा, 128 के बटा में दो आया, तो बोलो कितना आया, 64, तो बोलो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 64, एक्स का मान बता सकते हो, बोलो दो इधर आएगा सीधा की उल्टा, सीधा की उल्टा, उल्टा होगा तो 64 की घात कितनी आई, एक बटा दो को कोई चिन्ह बोलते हैं क्या, बोलते हैं क्या, सब बोल दीजिए एक साथ, वर्गमूल बोलते हैं, किसके ऊपर वर्गमूल आया, 64, और 64 का वर्गमूल बोल दीजिए, एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आया तो वाई का मान बता सकते हो आप लोगों को, ऐसे क्यों लगता है कि एक्स का मान आते ही उत्तर आ जाता है, पूरा उत्तर थोड़ी आ गया, बस एक्स का मान आया तुरंत ही सोचते आ गया, बस नजर बस तुरंत पॉकेट के अंदर, अब आया, अरे अभी एक्स का थोड़ी पूछ रहा है आपको, दोनों संख्या पूछ रहा है अभी आना और बाकी है, सब बोलिए एक्स का मान तो कितना आया, आठ, अभी एक और संख्या चाहिए, तो समीकरण में किसका मान रखने पर, एक्स का, बोलो एक्स की जगह पर तो क्या लिखोगे, आठ, तो आठ का स्क्वायर कितना हो गया, 64, आगे बोलो, 64
64 इधर आया, किसका हो गया? माइनस 7। तो वाई स्क्वायर बराबर बोल दो 64 बराबर कितना आ गया? और आगे हल करना आता है क्या? दो इधर आएगा सीधा की उल्टा, वर्गमूल का चिन्ह बनेगा क्या? बोलो 36 का वर्गमूल आपको याद है क्या? 36 का वर्गमूल कितना है? बोलो वर्गमूल घनमूल में पड़ी हुई चीज द्विघात में काम आई कि नहीं आई? ऐसे एक दूसरे टॉपिक के अंदर एक एक चीज काम में आती रहती है। उदाहरण दो चर भी आ गया, द्विघात भी आ गया, वर्गमूल घनमूल भी आ गया, एक ही क्वेश्चन में पूरे तीन टॉपिक मिल गए। बाहर देना सिखा रहा हूं। हाँ ध्यान देना सिखा। एक्स की घात 3 माइनस ए में एक्स माइनस ए का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब सुनना सर, वैसे मैंने एक सब करवा दी लेकिन फिर मैं आपको भाग विधि बता रहा हूँ, इसलिए वापस से मैं ये क्वेश्चन है इनका एक अलग तरीका बता रहा हूँ। सुनना सर, शेषफल निकालने का, अरे बस स्टार्ट कर रहा हूँ, बस सब देखती रहो। बहुत जोरदार टॉपिक है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और भी नहीं तो आपके घर में तो छोटे बच्चे हैं नवी दसवीं के अंदर, कभी किताब ला के सामने रखेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी आप लोगों क्योंकि नवी दसवीं के अंदर ये भाग चलते हैं और बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को इन भाग देने वाली चीजों में दिक्कत आती है। और पक्का है भाग देने वाली चीजों में दिक्कत आती है और आप घर के अंदर लगातार बोल रहे हो मैथ आने लगे, मैथ आने लगे, मैथ आने लगे, और बच्चा उठा के और दो चार लोगों के सामने लाके रख देगा, वो हाल ही बता उठा के अंदर बोलोगे मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आती, अच्छी तरह से देख लो। या आपको कोई भी पूछ सकता है नवी दसवीं के अंदर, यदि आपने कह दिया कि मैथ आने लगी तो पक्का है कोई भी दसवीं किताब उठा के तुरंत क्वेश्चन पूछ लेगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इसके अंदर, जो आपके कंप्यूटर में चलते हैं वो टेंथ की काफी सारे टॉपिक है वो ऐसे कैसे कंप्यूटर में चलते हैं, तो सभी सीख लो, अपने एग्जाम के अंदर भी काम में आता है और वो अपन 9th 10th के अंदर आता है। रेस्पेक्ट बनी रहेगी घर के अंदर, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान देना सर। और देखो एक चीज हो, बहुत सारी स्टूडेंट की फैमिली कंडीशन वीक होती है, तो ऐसे स्टूडेंट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो मैथ्स का बैच लिए और फिर जाके 10 को पढ़ाने स्टार्ट कर दिया, मतलब खुद का खर्चा खुद चलाने स्टार्ट कर दिया, सिर्फ 4-5 महीने का बैच लेके और खुद का खर्चा खुद चलाने स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिन पहले तक ये थी कि बेरोजगारी है बेरोजगारी है बेरोजगारी है, अचानक रोजगार मिल गया, सिर्फ 4-5 महीने अच्छी खासी मेहनत की ना, बस उसी से तुरंत रोजगार मिल गया। और भी नहीं तो कहीं पर भी आप अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो यदि आपको मैथ्स आने लग जाती है, यदि आपको, लेकिन मैथ्स आनी चाहिए, वो भी कैसे आनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको कोई रीजन पूछे तो आप रीजन बता सकें कि यहाँ पर ये कैसे आया, ये क्यों आया, ऐसे आपको हर एक रीजन यदि पता लगने लग जाता है तो आप अच्छी तरह बता सकते हो। तो पढ़ो ऐसे, ऐसे नहीं कि एग्जाम में आएगा तो ऐसे रट पे फिर कराऊंगा, ऐसे नहीं। यदि सीख रहा है चाहे आपके घर में जितना मन कंडीशन पूरी कंडीशन नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी चीज को यदि आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में एक चीज चलनी चाहिए कि यदि मेरे को कोई पूछेगा तो मैं कैसे समझाऊंगा इसे, ये वाली चीज आपके माइंड में लगातार रहनी चाहिए। कभी मौका मिला किसी को समझाने का तो बढ़िया बात है, यदि नहीं भी मिला तो इस चक्कर में आप जरूर अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो,
अपने माइंड में हमेशा यही चलना चाहिए कि कोई यदि द्विघात समीकरण से मुझे क्वेश्चन पूछेगा, कोई मुझे बहुपद से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा, ये कैसे बताऊंगा, ये वाली चीज माइंड में चलती रहती है। और फिर समझ रहे देखो हर एक चीज समझ में आएगी, वो भी बहुत अच्छे। तो नवी दस में चलता है, मौका मिला कहीं पर पढ़ाने का, या वाला बी एड वगैरह भी करते हो तो स्कूलों के अंदर जाना पड़ता है 5-5-6-6 महीने, और क्या पता आपको मैथ सब्जेक्ट पकड़ा दे वहां पर, क्योंकि इन छोटे 5-10 बच्चों को इनको पढ़ाना पड़ेगा। उसमें आपको यदि मैथ सब्जेक्ट भी पढ़ाने का मौका मिल जाए और आपको उन्हें मैथ भी पढ़ाएंगे तो भी जाके आप ये टॉपिक क्लियर करवा सकते हो, बच्चों का प्रॉफिट होगा। तो देखना सभी, एक्स की घात दी है -1 में, एक्स -1 का भाग देने पर क्या पूछ रहा है, जो मैंने एक तरीका पहले बताया है वो आपको याद है क्या, आपको याद है, आंसर बोल दीजिए आप, जीरो। कितना आएगा, जीरो। और जीरो क्यों आया मुझे पता है, पहले तो बोलो हाथ खड़े कभी तो जीरो आया, बहुत बढ़िया, कितने लगातार सही तरह तो खूब है। अब ध्यान देना, एक्स की घात 3-1 में एक्स -1 का भाग देने पर सही पर बताना है, तो बोलो आप भाग किसका दे रहे हो, एक्स -1 का। तो एक्स -1 का शून्यंक बता सकते हो क्या, शून्यंक बता सकते हो, एक्स -1 का शून्यंक एक्स बराबर एक, तो इसके बराबर में जीरो लिखोगे तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, या फिर ऐसे पता कर लो एक रखोगे तो एक में से एक गया तो जीरो, ठीक है। अब इस मान को यदि आप इस बहुपद में रखते हो तो जो भी बहुपद का मान आएगा वही क्या कहलाएगा, तो आप लिखोगे एक ही का 3-1 एक में से गया तो सब बोलिए शेष पर कितना आया, तो एक तरीका तो मैंने ये बताया था, लेकिन ये तरीका तो आपका पुराना हो गया, एग्जाम में आए इस तरह का क्वेश्चन तो पहले तो यही बात याद रखनी आपको, लेकिन आपके नोट्स में 4-5 क्वेश्चन ऐसे है जिनके अंदर ये तरीका काम नहीं करता, तो आपको भाग देना आना चाहिए। और भाग देना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो ऐसी बिल्डिंग बना लेना, ये वाली बिल्डिंग बनाना सबसे पहले, अब इसके बीच के अंदर आप लिख देना जिसमें भाग दे एक्स की घात 3-1 लिख देना, इधर मत लगाना कैसे बन सकती, एक्स की घात 3-1 आ गया, ठीक है। और अब इधर जिसका भाग दे रहे हो आप सीधे लिख बनाएंगे, जिसका भाग दे रहे हो वो चीज लिख देना आप इधर एक्स -1 लिख, आगे समझ में आता था, ठीक है। अब सुनते रहना सभी आप, अब आपको एक्स -1 आ गया यहाँ पर, एक्स -1 को आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये बताओ इधर चर की घात, चर पद पर सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, तो सबसे बड़ी घात बन जाए, मतलब यदि आपको तो देखो ये कैसे लिखो मैं छोटा ही, ध्यान देना एक्स -1 का भाग दे रहा हूँ, ये तीसरा इसका मतलब समझ जाना, एक्स -1 का भाग दिया जा रहा है और किस में दिया जा रहा है, एक्स की घात 3-1 में। तो सुनना सभी, इसको ऐसा बनाया जाएगा कि एक पद एक्स की घात 3 आए, तो आप सभी मेरे को ये बता दो इसको मैं किससे गुणा करूं कि एक्स की घात 3 मिल जाए, तो बोलो किससे, एक्स की यहाँ पर कितनी बार है, एक बार, यदि मैं एक्स इसको ऐसे गुणा कर दूंगा एक्स को तो बोलो एक्स की घात 3 आई कि नहीं आई, आगे तो ध्यान देना जिससे गुणा कर रहे हो उसे तो लिख देना ऊपर, इससे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर से तो किया गुणा, ये तो लिख दिया ऊपर, और बोलो गुणा करने पर ये तो कितना आया, एक्स की घात 3, आगे एक्स का 3, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो प्लस का कि माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया, ध्यान देना यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं था इसलिए मैंने अलग लिख दिया, ये वाली इसे एक के नीचे नहीं लिखा साइड में लिख दिया, यदि ऊपर एक्स स्क्वायर वाली लाइन होती ना तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखता मैं। अब देखो यहाँ पर एक्स की घात 3 हो गया, एक्स की घात 3 हो गया, समान संख्या इसमें काटना है, ये माइनस बोली ठीक है, ये प्लस बन गया, आगे समझ में आता था, बताओ इससे ये क्या हो गया। अब देखो आपके पास क्या क्या बचा, चाहे पहले से लिख लो चाहे पहले से लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का क्या बच गया, अब आपको भाग देना है इसमें इसका, तो वापस से वही चीज, चर पर देखो चर पर घात कितनी आ रही है, दो, तो अब आपको एक्स स्क्वायर बनाना है,
तो बताओ एक्स माइनस एक को प्लस का एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस एक्स से गुणा करूं कि प्लस एक्स से, तो प्लस के एक्स से गुणा कर दो, इसे तो लिख दिया यहाँ पर, और अब गुणा करो देखो दोनों से, बोलो एक्स को एक्स से क्या, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या आ गया जैसे जैसे आ गया। फिर से वापस कोई चीज कर दो, ये आप चिन्ह बोलिए माइनस इसे काटना है और ये आप पर बोलो ये क्या हो गया बोलो ये आप कौन बचा माइनस, और सब बता दो एक्स माइनस एक है और इसको ऐसे बनाना है, तो बोलो एक्स को क्या बनाना है एक्स, इससे गुणा करूं एक, तो बोलो यहाँ पर एक प्लस का से माइनस का प्लस का प्लस के एक से गुणा कर दो, बोलो चीज अलग आएगी कि वही आएगी, तो बोलो शेष फल कितना बचा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस ये प्लस तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बोलो कितना बचा और बोलो आपके पास। अब सुना सभी सभी ध्यान देना, आपने भाग दिया तो आप सभी बताना, जैसे मान लो एक संख्या लिखी हुई है 20, यहाँ पर मैंने 15 का भाग दिया, 15 दूनी 20 और यहाँ पर शेष बच गया 10, चलो बताना इसमें देख देख के बता देना आप सभी भाग किसमें दिया, तो बोलो किसमें दिया, किसका दिया, शेष क्या आया, भागफल कितना आया, वही चीज आप यहाँ पर देख के बताने की कोशिश करना। सब बोलो भाग किसमें दिया, बोलो दोबारा किसका दिया, शेषफल कितना आया और भागफल कितना आया, ध्यान देना शेषफल तो आपको निकालना आता था लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भागफल क्या आएगा, तो बोलो भागफल आया कि नहीं आया, भागफल क्या है बोलो, ये भागफल हो गया, बोलो सबको आया कि नहीं आया समझ में, थोड़ा बहुत आया होगा पहला एग्जांपल, ये पूरा भी आएगा टेंशन मत ले, बोलो पहला एग्जांपल है टेंशन उतार दो, बस आप नोट्स बनाने के हिसाब से उतार लो हर एक चीज को लिख के, बाकी मैं भी और समझाऊंगा। कैंसिल के जगह देखना, आप सबसे पहले ये देखना किसमें किसका भाग दे रहे हैं, पहले तो नींदों से जग जाओ और फिर देख के फिर दोबारा बोल रहा, अब बोलो सभी इसमें सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, तो सबसे पहले बहुपद की घात देखा करो, बहुपद की घात 3 है, अब भाग किसका दे रहे हैं एक्स माइनस एक, तो यहाँ पर एक्स के ऊपर आपको घात कितनी चाहिए 3 चाहिए, तो इसको किससे गुणा करेंगे पता कर लो आप, एक्स की घात 2 से, तो गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3 आया कि नहीं आया, अब इसको इससे भी गुणा किया तो माइनस एक्स पर आया, ऊपर एक्स था नहीं तो मैंने अलग लिख दिया, बताओ इससे काटा जाएगा तो समान संख्या, ये समान संख्या विपरीत चिन्ह किया, ये तो कट गया, अब आपके पास चाहे इससे भी पहले लिख सकते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाद में लिख दो, तो आपने x को पहले लिख लिया माइनस एक को बाद में लिख लिया, अब देखो वापस इसमें इसका बाहर देखिए, तो बोलो अब सभी देखकर बताओ अब आपको क्या बनाना है एक्स स्क्वायर, इसको किससे गुणा करूं कि एक्स स्क्वायर बन जाए, देखा गुणा किया तो बोलो एक्स प्लस एक्स से गुणा किया तो ये बना कि नहीं बना, बन गया ये वाला, तो बोलो समान संख्या फिर एक्स और एक बच गया माइनस का, फिर बताओ x माइनस एक बनाना है तो इसको किससे गुणा करूंगा एक से, अरे x को x ही ब्रैकेट रखना है, x को x ही रखना है तो किससे गुणा करूंगे तभी तो x आएगा, फिर एक से गुणा कर दिया तो प्लस का x चाहिए था, तो देखो x से गुणा किया तो x माइनस एक आ गया, बोलो समान संख्या कट के क्या बच गया, ध्यान देना तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पर भाई एक्स अब ऐसा नहीं बन सकता, सुना सभी तब तक भाग देना है जब तक आप ये नहीं कह दो कि सर अब एक्स है ना इस जैसा नहीं बनेगा, जैसे मान लो ये आप होता 4
यहाँ पर हो जाता है एक्स की घात बी माइनस ए। अब बताओ एक्स की घात चार क्या एक्स की घात तीन बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। इस टाइम बोल देना कि एक्स की घात तीन माइनस एक शेषफल आ गया, तो इसे शेषफल कह दिया जाएगा उस टाइम के अंदर यदि छोटा बच जाता है। तो जब तक बने तब तक बनाने की कोशिश करना है बस आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में और समझा रहा हूँ आपको, नहीं करना भी, आपको कोशिश करनी है तीसरे एग्जाम्पल से, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूँ, तीसरे में आप गलती कर लेना, फिर मैं तीसरा और समझाऊंगा, फिर आप चौथा क्वेश्चन सही करने की दोबारा कोशिश करना। फिर भी यदि गलत करोगे तो मैं एक बार और समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे चार एग्जाम्पल होंगे, तब तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ ध्यान देना सर, एक है तो एक्स की घात चार माइनस तीन एक्स की घात तीन, बड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, सभी चीजें समझ लेना, तीन एक्स प्लस एक इनको हटा देता ऊपर से। अब बताओ ऊपर ये चीज क्या है, यहाँ पर क्या आता है, ठीक है, यहाँ पर भाग फल आएगा और भाग दे रहा हूं मैं एक्स प्लस ए का, तो ध्यान देते रहना सर, एक्स प्लस ए का भाग दूंगा। करो स्टार्ट, तैयार हो आप सभी, ध्यान दे लेना सर, एक्स प्लस एक है, इसके अंदर आप देखकर ये बता दीजिए बहुपद की घात नजर आ रही है क्या? एक कितनी आ रही है? ठीक है, तो बोलो आपको इसी संख्या को, इसी चर को क्या बनाना है? एक्स घात चार, और बोलो साथ में और कौन है? दो। तो दो तो कैसे बनेगा जब एक्स को किससे गुणा करूं? दो से, ठीक है, तब तो आ जाएगा दो। और बोलो अब एक्स की घात चार और बनाना है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? तीन रे कितना हो गया? चार, ठीक है। अब गुणा करो इससे भी, इससे भी गुणा करो, तो बोलो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आया? ओके, तो सेम एक एक घात को हटाते हुए फिर आगे बढ़ना है, बड़ी घात को हटाओ फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जब नेट है वो शेष पर ऊपर आ जाए वो भाग पर, ठीक है। दो एक्स की घात चार आया है तो दो एक्स की घात तीन को अब किससे गुणा? और दो एक्स की घात तीन को एक से गुणा करेंगे तो ध्यान देना बोलो बदलेगा कि ऐसे कैसे आएगा? तो यहाँ पर इसको गुणा कर दो तो दो एक्स की घात तीन को, आपको एक्स की घात तीन नजर आ रही है क्या? इसके नीचे लिख दो बोलो ये ऐसे कैसे आ गया, हो गया गुणा दोनों से, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर हटाने का तरीका पता है क्या? समान संख्या माइनस माइनस, बताओ ये तो क्या हो गया? अब बताओ ये जुड़ेगा कि कटेगा? जुड़ेगा, तो ये था जुड़ गया इसमें और आगे ये ऐसे कैसे आ गया, चलो ठीक है। अब वापस से देखो दोबारा भाग आ गया, ध्यान देते रहो सभी, वापस से भाग आ गया मतलब इस संख्या में इसका भाग देना है, तो आपका टारगेट वही, सब बोलिए बहुपद की घात कितनी आ रही है? आपको क्या बनाना है? तीन, तीन ही बनाना है ना, लेकिन आप ये बताइए प्लस का बनाना है कि माइनस का? माइनस का चाहिए। अब बताओ यहाँ पर, यहाँ पर गुणा में क्या चाहिए? पांच, यहाँ पर पांच है तो यहाँ पर क्या लिखूं? पांच हो जाएगा, पांच एक्स को, आपको घात तीन चाहिए तो क्या लिखूं? हो गया माइनस पांच एक्स स्क्वायर, तो आप गुणा करा दो देखो ये मिल जाएगा इसे कैसे, बोलो सभी माइनस और बोलो पांच एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बोलो अभी यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर कहीं पर नजर आ रहा है क्या? तो अलग से लिख दो, इनके नीचे मत लिखो, कहीं साइड में लिख दो, यहाँ पे लिख दो, बोलो आया समझ में? ठीक है, अब बोलो समान संख्या दिन बोलो ये क्या हो गया, ठीक है। अब जो भी बचा है वो लिखो, सबसे पहले बड़ी घात वाला लिख लो यार, छोटी घात वाला बोलो, इसमें भी भाग देना आता है क्या? परीक्षण बता सकते हो आप, प्लस का लेना है कि माइनस का? ठीक है, प्लस का चाहिए तो प्लस का आ गया, बोलो गुणा में क्या आना चाहिए? पांच, यहाँ पे क्या लिखूंगा? और बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर के लिए किससे गुणा करूं? एक्स, ये एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स से गुणा करने पर, ठीक है, मैंने एक्स लिख दिया, अब अभी लिख सकते हो आप, ठीक है, पांच एक्स को एक्स से गुणा किया तो पांच एक्स स्क्वायर, और बोलो पांच एक्स को एक से गुणा किया तो पांच एक्स, तो एक्स को एक्स के नीचे लिख दिया और यहाँ पर है, अब आगे कुछ नहीं बचा, इसी में से आ गया, बोलो समान संख्या, हो गया
या कैंसिल, चलो बताओ ये क्या हो गया कैंसिल, क्या फिर बता दो क्या बचा और प्लस बचा। अरे सबको समझ में आता ठीक है, अब आगे और चलेंगे। अब बोलो आपको यहाँ पर क्या चाहिए एक्स और वो भी किसका माइनस का, और यहाँ पर क्या आना चाहिए दो, तो बोलो यहाँ पर माइनस का दो आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं माइनस दो, लिखिए माइनस दो, और माइनस दो लिखूंगा तो बोलो माइनस दो को एक्स से गुणा किया तो बोलिए माइनस दो एक्स हो गया माइनस दो एक्स, और माइनस दो को एक से गुणा करेंगे तो बोल दो माइनस दो, और बोलो कोई संख्या हट रही है क्या, समान संख्या बोलिए दो एक्स से दो एक्स, कितना बचा, तो अब एक्स आई नहीं रहा तो आगे क्या भाग देंगे, तो बोलो कितना आया, सब बोलिए शेष पर कितना आया, ऐसे करके देख लेना एक्स बराबर माइनस एक रख के देखो तीन ही आएगा, एक्स बराबर माइनस एक रख के देखो तीन ही आएगा तभी, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर तीन शेष पर। और आपको भागफल नजर आ रहा है क्या, भागफल दिख रहा है ना, बस शेष पर वाले तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन भाग पर पूछे तो भाग पर आपके पास आ गया दो एक्स की घात तीन माइनस पांच एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस टू, ये आपका भागफल हो गया, सब उतार और अपने मन से ही ठीक है, बस आप भी समान करने की कोशिश करना कि समान किससे गुणा करने पर हो, और समान संख्या विपरीत चिन्ह चलाना बस आपको लगातार। एक्स की घात तीन माइनस छह एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस छह में भाग देना है एक्स प्लस दो का, तो आप शेषफल और भागफल दोनों प्राप्त करो, शेषफल और भागफल दोनों प्राप्त करने, कोई बात नहीं, गलती करना था मैंने गलत के लिए बोला था, सही के लिए बोला भी नहीं था, सभी का ध्यान सामने करें स्टार्ट, ध्यान सामने रखने के लिए बोला है, देखना बंद कर दीजिए और देखिए, चलो बताइए भाग किसका दिया जा रहा है, दोबारा बोलो एक्स को इनमें से क्या बनाना है, एक्स की घात तीन, क्या बनाना है एक्स, सबसे पहले छोटी घात बनाते हैं कि बड़ी घात, बड़ी घात, तो बड़ी घात जैसा बनाना, एक्स की घात तीन बनाना है, ये बहुपद की घात है, और इसको कैसे भी करके टारगेट ये बनाओ कैसे भी करके इनको हटाना है, तो पहले तो समान संख्या बनाओ, बताओ एक्स को किससे गुणा करूं कि ये बन जाए, ये देखो पूरा बना के नहीं बना, बन गया ठीक है, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, इसको इससे किया तो बोलो प्लस का कि माइनस का, प्लस का दो एक्स स्क्वायर आ गया ठीक है, बोलो समान संख्या, ये क्या हो गया,
अब क्या क्या बचा लिखो माइनस आठ एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस कितना आया छह। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहाँ पर माइनस आठ एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर माइनस आठ एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा वो लिखा सकते हो क्या? पहले तो बताओ एक्स है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आठ एक्स और प्लस का आना चाहिए कि माइनस का? ये प्लस है तो गुणा किससे करूं? माइनस से, तभी तो माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया और बोलो यहाँ पर क्या लिखूंगा? ठीक है, आठ तो आ गया, आठ को एक्स से करूंगा तो सिर्फ क्या बनेगा आठ एक्स, लेकिन आठ एक्स बनाना है कि आठ एक्स स्क्वायर, तो बोलो यहाँ पर और क्या लिखूंगा एक्स और लिख दिया। अभी इसको इससे गुणा करूंगा तो बोलो चिन्ह किसका आया? माइनस आठ एक्स को दो से गुणा करेंगे, बता सकते हो आप? बोलो कितना आएगा? माइनस का सोलह एक्स। ठीक है, ये आ गया और बोलो अब हटा सकते हो क्या? समान संख्या, ये तो क्या हो गया? चलो बताओ यहाँ पर सोलह एक्स और ग्यारह एक्स, सोलह एक्स और ग्यारह एक्स कितना एक्स होगा? सत्ताईस, और माइनस का कितना आया? छह। समझ में सभी को? तो बोला एक नहीं आया। ठीक है, अब बताइए आपको सत्ताईस एक्स चाहिए प्लस का कि माइनस का? प्लस का। जिन बोल दो यहाँ पर बोले सभी सत्ताईस, और सत्ताईस को दोनों से गुणा करना आता है क्या? सत्ताईस को एक्स ही करोगे तो ये तो आपको चाहिए था सत्ताईस एक्स आ गया, और बोलो सत्ताईस दूना चौवन, तो यहाँ पर प्लस का कितना आ गया? चौवन। चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ पर जिन बोलिए माइनस माइनस कैंसिल, और चौवन और छह जुड़ेगा कि घटेगा? उत्तर बोल दो कितना आया? ये माइनस साठ आ गया, बोला है आ गया, और ये शेषफल कितना आ रहा है? माइनस साठ। और आपको भागफल पूछे तो भागफल बता सकते हो आप? भागफल बोलिए माइनस साठ एक्स प्लस सत्ताईस। आगे सबको समझ में ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को भी आप अरे नजर सामने को भी यदि आप एक्स बराबर माइनस दो, इसका शून्यंक कितना आएगा बोलिए? एक्स बराबर माइनस दो, माइनस दो इसका शून्यंक है, यदि इसमें माइनस दो लिखेंगे तो बोलो बहुपद का मान क्या आएगा? माइनस चार। इसको भी यदि शेषफल पूछता तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन भागफल पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा इस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें शेषफल ऐसे बताने में दिक्कत आएगी, तो देख रहे यदि उनमें दिक्कत आए वो क्वेश्चन कौन से होंगे और देखे अब आप हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये चीज चेक करनी है। करके बताओगे ये क्वेश्चन आप? ठीक है, तो बताना चाहिए आप एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस दो से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जहां पर यदि एक्स न बने वहां पर रुक जाना, बस वो यहाँ पर शेषफल हो जाएगा, शेषफल में एक्स भी आ सकता है। बातें नहीं आपसे सब बता सकते हो आप? उत्तर बोल दो सात एक्स माइनस नौ, इसको क्या करने का? सात एक्स माइनस नौ, ये उत्तर आ रहा होगा। अब देखिए शेषफल, तो शेषफल पूछा मैंने, शेषफल कितना आया? किस किस का आवाज करने का? ठीक है, अब हो गया, ध्यान देना चाहिए अभी, ध्यान देना जिनका भी नहीं है देख लेना, काफी का आ गया वैसे, लेकिन फिर भी आठ दस लोगों का नहीं आया वो देख लेना। करो स्टार्ट, नजर तो सामने करो, यहाँ अलग से बोलना पड़ेगा ना भाई साहब, आपको देख लो सामने, करे स्टार्ट। चलो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस दो है, इसमें चर नजर आ रहा है क्या? चर पद बोली
मत बोलो चर कौन है, बोलो इसमें चर कौन सा रहा है, इसमें चर कौन सा रहा है, इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो बताओ इसे चर की घात कितनी है, दो घात को क्या बनाना है, अतः बनाना इससे गुणा करते हैं, लिखाओ माइनस का दो एक्स, इसके नीचे लिखूंगा इसके नीचे माइनस का दो एक्स ही आ गया। अरे जितनी घात हो उसके नीचे लिखा करो वरना लग लिख दिया करो। अब बोलिए यहाँ तक आ गए तो समान संख्या जिन बोलो ये तो क्या हो गया, ठीक है आपके पास क्या है बोलो माइनस तीन एक्स स्क्वायर, पहले बड़ी घात लिखा करो माइनस तीन एक्स स्क्वायर और बोलो प्लस में सात एक्स माइनस तीन, ये तो बचा हुआ है तीन, ठीक है ऐसे लिख दिया। अब इसमें इसका भाग देना है तो बोलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बना सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए तो गुणा एक से, लेकिन बोलो यहाँ पर क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए प्लस का तीन की माइनस का, यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस तीन से गुणा करने पर ये आएगा कि आएगा, देखा तो सभी तीन गुणी छह प्लस का की माइनस का प्लस का, यूज यहाँ पर गलती हो गई हो, बोलो तीन दुनी छह प्लस का छह आ गया, आया समझ में, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, ठीक है। अब बोलो समान संख्या इससे ये क्या हो गया कैंसिल, अब आगे बोलो और देखो अब इस सात एक्स से बनाना है तो बोलो क्या एक्स स्क्वायर को एक्स बना सकते हो क्या, नहीं बन सकता, और जब नहीं बन सकता तो बोलो वो ही क्या कहलाएगा, तो ये शेषफल हो गया आपका, बोला है कि नहीं ऐसा, आप में से काफी लोगों की स्कूल में नहीं आया होगा लेकिन अब समझ में आ गया होगा क्योंकि आज आपने कोशिश की थी, इस फुल टाइम में कोई कोशिश नहीं की, हाँ सभी क्लियर है अभी आज तक।